समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले के टॉप 10 क्रिमिनल्स लिस्ट में शामिल कुख्यात अपराधी शशि राय समेत 3 अपराधियों को धर दबोचा है। मनमोहन झा हत्याकांड और शिक्षक अमन कुमार उर्फ लकी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए समस्तीपुर पुलिस कप्तान विकास वर्मन के द्वारा SIT का गठन किया गया था, जिसके बाद सभी कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जाने लगी। समस्तीपुर पुलिस ने पिछले 72 घंटे के अंदर लगातार 15 जगहों पर दिन रात छापामारी की। इस बीच जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधी शशि राय और उसके 2 साथियों पवन कुमार उर्फ मियां और गोविंद कुमार को अवैध हथियारों के साथ मोहनपुर से गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने कहा कि समस्तीपुर के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हिस्ट्री शीटर अपराधी शशि राय के ऊपर जिले के अलग अलग पुलिस स्टेशन में लगभग 14 मामले दर्ज हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, मुसरी घरारी में और आसपास के क्षेत्र में 2 सनसनीखेज हत्या का मामला आया था, जिसमें एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र कांड संख्या 297/20 है, जिसमें मनमोहन झा की हत्या हुई थी 7वें महीने में, और 8वें महीने में मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक लकी यादव जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे उनकी भी हत्या अपराधियों के द्वारा की गई थी, जिसमें नामजद अभियुक्त शशि राय और उसके साथियों का नाम आया था। जैसे आप लोग भी जान रहे हैं कि शशि राय उस क्षेत्र का एक कुख्यात अपराधी है, बहुत कम उम्र का ये लड़का है, और 2019 नवंबर में जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, वो पे हो रही थी। इसी क्रम में हमें जानकारी मिली कि कुख्यात अपराधकर्मी शशि राय अपने साथियों के साथ राज्य से बाहर झारखंड या आंध्र क्षेत्र में जाने वाला है। इसके आधार पे कल रात में छापेमारी और घेराबंदी की गई, जिसमें से कुख्यात अपराधकर्मी शशि राय अपने साथी पवन कुमार और गोविंद कुमार के साथ मोहनपुर क्षेत्र में कल रात्रि में इसकी गिरफ्तारी हुई, और इन लोगों के पास से एक कार्बाइन, देसी कट्टा, 12 गोली, मोबाइल और वाहन बरामद हुआ है। शशि राय एक कुख्यात अपराधकर्मी है, इसके विरुद्ध कुल 14 कांड दर्ज है। ये हमारे जिले का टॉप 10 अपराधकर्मी की सूची में शामिल था, और इसके साथ जो अपराधी पवन पकड़ाया है उसके विरुद्ध 3 कांड दर्ज है। अन्य अपराधी जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार क्रिमिनल्स के पास से एक कार्बाइन, 3 देसी कट्टा, 12 गोली, 1 मोबाइल और 1 वाहन बरामद किया है। ये सभी गिरफ्तार अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोनबरसा चौक पर मनमोहन झा हत्याकांड और मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में हुए अमन कुमार उर्फ लकी यादव हत्याकांड में शामिल हुए थे। फिलहाल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और शशि राय के गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।